Hello everybody and welcome to Family Food Tales. Festive season abhi just chala gaya hai, Diwali ho gayi hai, abhi Christmas New Year aane wala hai. To kya banana chahiye? Ye jo recipe hai na, bahut hi simple, delicious chili pickle ki recipe hai, Goan Chilli Pickle. Abhi December mein sab log Goa ki taraf jaate hain, to main aapko fatafat ek Goan Chilli Pickle ki recipe batati hoon. Iske liye sabse pehle bahut sari hari mirch chahiye aur dhyan rakhiye ki kam tikhi wali ho. अगर बहुत आपको तीखी चाहिए तो आप डार्क ग्रीन भी ले सकते हैं बट यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन चिलीज ली हैं तो क्या करना है सबसे पहले ये चिलीज को धो के अच्छे से इसको छोटे पीसेस में ऐसे काट के रखना है और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और ध्यान रखिए चिलीज को जब हाथ लगाते हैं तो अच्छे से हाथ धो लेना नहीं तो आँख में मुँह पे जल सकता है यहाँ पर हमारे पास होल रेड चिलीज भी हैं तो होल रेड चिलीज को हम लोग यहाँ पे सोक करके रखे हैं हमने अबाउट 6 to 7 चिलीज एंड इमली एक इतनी सी इमली लेनी है हमको और इसमें हमने सोक कर दिया है रेड चिलीज इमली एंड विनेगर विनेगर क्या है सिरका 3/4 कप लेना है विनेगर इसको हमने सोक करके रखना है अराउंड 3 to 4 आवर्स अच्छे से सोक हो जाएगा फिर उसको हम पीसेंगे इसका पानी भी हमको चाहिए इसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस लेते हैं ज्यादा नहीं पीसना इसको एक बोल में निकाल के रखते हैं और अब इसको पीसना है हमें इसको ज्यादा नहीं पीसना रफली पीसना है हमको जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा नहीं पीसना थोड़ा सा निकाल देते हैं इसमें बाकी का भी पीसना है थोड़ा सा सब्र करें सब मिर्ची हो गए और अभी हमको बाकी की तैयारी करनी है अब मिर्ची के बाद किसकी बारी आती है अदरक एंड लहसुन जिंजर एंड गार्लिक इसमें भी थोड़ा नमक डाल के पीसेंगे सारी चीज़ों में नमक आ जाए पिकल है तो नमक तो चाहिए गार्लिक को भी निकाल देते हैं और अभी अदरक की बारी इसको थोड़ा काटना पड़ेगा करीब 200 ग्राम अदरक एंड 200 ग्राम गार्लिक लहसुन एंड 1/2 kg ग्रीन चिलीज इसको भी रफली पीस लेते हैं इसमें भी थोड़ा सा नमक डालेंगे चलिए सारी तैयारी हो गई है अब क्या करना है हीट सम ऑयल तेल को गरम करना है यहाँ पे मैंने तिल ऑयल लिया है 3/4 कप जैसे ही तेल गरम हो जाए इसमें हम लोग चिलीज डाल देंगे जस्ट इसको हल्के हाथ से सौते करना है एंड देन वी ऐड द जिंजर एंड गार्लिक इसको थोड़ी देर अराउंड 10 मिनट्स इसको पकाना है बहुत ही इजी रेसिपी है इसमें थोड़ा नमक और डाल देंगे ये अपने पास चीनी है इतनी मिर्ची डाली है तो थोड़ी चीनी भी ज़रूरी है तो अबाउट 1/2 कप ऑफ शुगर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब चीनी भी घुल गई है ये जो पेस्ट बनाया था इसमें डाल देंगे अब इसका कलर इतना अच्छा हो जाएगा अब और कुछ नहीं करना 10 से 15 मिनट तक पकाना है और इसके बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा बहुत टैंगी एंड डिलिशियस है ये गोअन चिली पिकल ये अच्छे से पक गया है अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं देखिए तेल भी निकल रहा है साइड से मतलब बिल्कुल पक गया है अब क्या करना है कुछ नहीं करना है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा
फिर एक बॉटल में भर दीजिए. ब्रेड लीजिए, मक्खन लगाइए, चिली पिकल लगाइए, चीज स्लाइस लगाइए, जो आपकी मर्जी है उस तरह से खाइए. आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर हमको बताएं. बाय फॉर नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.